Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, in this video you are going to get the most important MCQ. क्योंकि already UPSC ने पूछ चुके हैं Indian Economy Section Prelim 2018 में. अब आप सोचोगे कि क्यों यार इस वीडियो को क्यों देखा जाए, 2018 का पेपर 2022 के लिए या 23 के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. देखिए UPSC ना एक ट्रेंड फॉलो करता है. UPSC का 2022 का जो पेपर बनने वाला है वो पिछले साल के पेपर्स को रख के बनाए जाएंगे. नो डाउट इसमें करंट अफेयर्स एप्लीकेशन रहेगा. आप देखो पिछले 10 सालों का पेपर सेंट्रल बैंक RBI पे इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन रिसेशन है ना, इस पे क्वेश्चन रहता ही है. तो 2021 में पूछा गया रिसेशन पर, तो 2022 में स्टैगफ्लेशन पे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो स्टैगफ्लेशन की है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अनकंट्रोल्ड है, कभी डाउन हो रही है और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई है. तो इस वीडियो को पूरा देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स. ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा है. एडिबल ऑयल जो हम खाने वाला तेल है हम ज़्यादातर इम्पोर्ट कर रहे हैं as compared to the domestic production of the edible oil पिछले 5 सालों में. सेकेंड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट डजेंट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन द ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स ऑन अ स्पेशल केस एज अ स्पेशल केस. अब देखिए कैसे आंसर निकाला जाए. आप वीडियो में कमेंट और इसका वीडियो के कमेंट में आप आंसर दे सकते हो. देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओनली. स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है क्योंकि हम खाने का तेल, जाहिर सी बात है हमारी जनसंख्या सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया की, तो हमको ज़्यादातर मात्रा में लगता है तो हम इसलिए इम्पोर्ट करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, तो ये बिल्कुल गलत है ना. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे. सपोज आपको कोई नॉलेज नहीं अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी आप राइट आंसर निकाल सकते हो, वो कैसे. सेकंड स्टेटमेंट देखो, कैर इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक. बैंकों का रेगुलेटर इंडिया में कौन है? द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज सेंट्रल बैंक कॉल RBI. ओके तो सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग रहेगा. तो ये कैर डिसाइड करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करना, ये RBI का काम है, ना कि हर एक बैंक का काम है. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेटर्स टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इनएक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 इन ऑर्डर टू कम्प्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू. अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये एक मैनमेड नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग्स के लिए कि किसी खास इलाकों में जो बनती है उनके लिए ज्योग्राफी GI टैग दिया जाता है. ओके फॉर एग्जांपल कोल्हापुरी चप्पल है, बहुत सारे है, और आई थिंक दैट रसगुल्ला ऑफ वेस्ट बंगाल, बंगाली मिठाई ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके तो अब इसका राइट आंसर आप कमेंट में दे सकते हो. इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. GI टैग काफ़ी न्यूज़ में रहा. नो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी, ओके कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो. देखिए लीगल टेंडर किसे कहते हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है यार आपका. ठीक है कि वो मनी जो कि सर्कुलेशन में हो, जिसको सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अलाउ करते हैं, हाँ इसको एक्सचेंज के तौर पर यूज़ कर सकते हो. ओके द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. ओके तो राइट आंसर इज बी. तो इस तरीके के और क्वेश्चंस मेरे लाइव लेक्चर आते हैं अनअकैडमी पर डेली शाम में 5:30 पर 5:30 PM को. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी A to Z UPSC प्रिपेरेशन फ्री में हो सकती है. तो इसका लाभ उठाइए. इसके लिंक डेली शाम में 5:30 मैं आपको, देखिए मेरे लेक्चर के ज़रिए आपको मैं गाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप किस तरीके से आसानी से प्रीलिम पास हो जाओगे. ठीक है मेरे डेली लेक्चर को अटेंड कीजिए. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप.
तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसके लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और आपको जो स्क्रीन पे कोड दिखाई दे रहा है, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए साइनअप कीजिए, कोड डालिए MIYT10। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड। गुड बाय टू एवरीवन।